नमस्कार दोस्तों, न्यूज हिंदी टीवी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मतुआ समुदाय के सदस्य के घर पहुंचे अमित शाह, खाना भी खाया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर है, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। थोड़ी देर पहले वो दक्षिणोत्तर काली के दरबार में पहुंचे हैं। कल अमित शाह ने आदिवासी के घर भोजन किया था, आज अमित शाह ने मतुआ समुदाय के घर भोजन किया। बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह, मतुआ परिवार में अमित शाह ने खाया खाना। शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर है, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। थोड़ी देर पहले वो दक्षिणोत्तर काली के दरबार में पहुंचे हैं। कल अमित शाह ने आदिवासी के घर भोजन किया था। वहीं आज पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के गौरानगर में मतुआ समुदाय के सदस्य के घर खाना खाया। वहीं अमित शाह आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और सांसदों से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज न्यूटाउन स्थित मतुआ समुदाय के मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मतुआ समुदाय के परिवार के घर खाना खाया। अमित शाह के स्वागत की जोरदार तैयारियां भी की गई। मतुआ समुदाय की महिलाओं ने अमित शाह पर फूलों की बारिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मतुआ समुदाय के नबीन बिस्वात के घर गए। इनके घर पर शाह ने खाना खाया। खाने के मेन्यू में चावल, रोटी, शुक्तो, मूंग दाल, तूर दाल, पनीर, चटनी और खीर थी। नबीन बिस्वात की पत्नी ने खाना बनाया था। खाने को केले के पत्तों पर परोसा गया। आपको बता दें कि नादिया और नॉर्थ 24 परगना जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय की जबरदस्त पकड़ है। यह समुदाय पलायन करके आया था। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के करीब 70 लाख शरणार्थी रहते हैं, जिन पर बीजेपी की नजर है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी को मतुआ समुदाय से बड़ी उम्मीद है। ऐसी ही सभी न्यूज अपडेट सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में एक बेल आइकन आएगी, उसे भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।